Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your science teacher, and today I am going to teach you science activity. आज मैं आपको science activity करवाऊंगी. देखिए हम उसमें क्या करेंगे. So now let's start. यहाँ पर मैंने एक puzzles दी हुई है बच्चों इस activity में. देखिए solve the following crossword puzzle. इस पजल को हमें सॉल्व करना है और जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नाउ फर्स्ट इज देखिए यहाँ पे ये एल लिखा हुआ है और ये वी लिखा हुआ है और बीच में वर्ड जो लेटर है वो नहीं लिखे हुए हैं. तो ये किसकी स्पेलिंग है हमें इसको कंप्लीट करना है. उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे ये जो हिंट दिया हुआ है इसे हमें पढ़ना है. तो पहले हम इसे पढ़ेंगे उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए. देखिए बच्चों ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ये सभी प्लांट के पार्ट्स हैं. तो देखिए फर्स्ट है मेक फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए फूड कौन बनाता है जिसकी स्पेलिंग ऐसे शुरू होती है. तो बच्चों प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका नाम एल से शुरू होता है. एल फॉर लीव्स पत्तियां. तो बच्चों जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाती हैं. जैसे आपके लिए फूड कौन बनाता है आपकी मम्मी. तो प्लांट के लिए फूड कौन बनाता है उनकी पत्तियां यानी लीव्स. तो एल लिखा हुआ है तो ये लीव्स की स्पेलिंग है. तो हम इसे कंप्लीट करेंगे. लीव्स की स्पेलिंग लिखेंगे हम. एल के बाद क्या आएगा ई ए फिर वी के बाद ई एस. ये हो गया लीव्स. तो आप बच्चों याद रखिएगा कि फूड के लिए प्लांट कौन बनाता है. अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कहोगे तुरंत आंसर देना कि मेरी मैडम ने बताया लीव्स बनाती हैं. ओके नाउ सेकंड देखो ये वर्ड है इसे हमें कंप्लीट करना है. कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले हम उसे पढ़ेंगे. तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं. पहले मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट. ये प्लांट का सबसे सुंदर और कलरफुल पार्ट होता है. तो बच्चों प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत ही सुंदर होता है और कलरफुल भी होता है अलग अलग कलर का और उसकी स्पेलिंग एफ से शुरू होती है. तो बताओ प्लांट में क्या क्या होता है. फ्लावर एफ से फ्लावर. फ्लावर सुंदर होते हैं ना सबको अच्छे लगते हैं और कलरफुल भी होते हैं अलग अलग कलर के. कोई फ्लावर रेड होता है कोई येलो होता है कोई पिंक होता है कोई पर्पल होता है. तो अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट प्लांट में क्या होता है फ्लावर. तो एफ से फ्लावर की स्पेलिंग हम कंप्लीट करेंगे. तो चलिए हम इस स्पेलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं. F के बाद क्या आएगा L फिर W E R F L O W E R फ्लावर. फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल और कलरफुल पार्ट होता है. नाउ सी थर्ड. ये थर्ड है सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है चेंजेस इंटू प्लांट. जो प्लांट में बदल जाता है यानी पौधा बन जाता है. तो बच्चों पौधा किससे बनता है जल्दी से सोचो. नया पौधा किससे बनता है क्या डालने से नया पौधा निकलता है बीज और उसे हम क्या कहते हैं सीड. तो देखो यहाँ पर एस लिखा हुआ है तो एस से किसकी स्पेलिंग होती है सीड यानी बीज. जब हम किसी का बीज डाल देते हैं
सॉइल में, मिट्टी में, तो नया पौधा बनता है ना, तो किस में चेंज हो गया, प्लांट में। तो ऐसे किसकी स्पेलिंग लिखेंगे हम, सीड की। तो चलिए हम शुरू कंप्लीट करते हैं इसे, एस ई ई डी सी। सीड का मतलब बीज, ठीक है। तो सीड से क्या होता है, जो सीड है वो चेंज हो जाता है प्लांट में, यानी पौधा बन जाता है। अब देखिए नंबर फोर, ये आर है, यानी कि इसकी स्पेलिंग आर से शुरू होगी। अब इसके लिए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं बच्चों, चलिए इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। ये प्लांट को यानी पौधे को मिट्टी में फिक्स कर देती हैं, यानी एकदम जमा देती हैं। तो बच्चों कौन सा पार्ट होता है जो मिट्टी के अंदर पौधे को बिल्कुल फिक्स कर देता है, जल्दी बताओ, ये तो बता ही सकते हो आप। मिट्टी के अंदर क्या होता है, पौधे की क्या होती हैं, जड़। और जड़ को क्या कहते हैं, रूट। रूट मीन्स जड़। तो आर से किसकी स्पेलिंग बनेगी, रूट की। रूट, रूट मीन्स जड़। रूट ही तो प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करती हैं, तो हम इसको स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे रूट की, आर ओ ओ टी, ये बन गया रूट, जो प्लांट को सॉइल में फिक्स करती हैं। तो आर से किसकी स्पेलिंग होगी, रूट की। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस एक्टिविटी, जो आपको इसे पढ़ना है, इसे पढ़ के यहाँ पर स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। तो आप इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस करेंगे और ये एक्टिविटी आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।